जातलो जातलो सारको ओके कुछ कंटेक्स्ट दे देता हूँ आपको. तो कल रात इट वॉज संडे, संडे नाइट आई वॉज ट्रैवलिंग बैक होम एट अराउंड 11:40. तो जिस रास्ते से मैं आता हूँ वो काफ़ी सिक्लूडेड एरिया है, ज़्यादा भीड़ भाड़ ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है वहाँ पर. एंड इन द कॉर्नर ऑफ माई आई मैंने एक छोटे से पपी को देखा जो बैठा हुआ था, एक बहुत ही ऑकवर्ड पोजिशन में बैठा हुआ था. एंड आई थॉट ही इज जस्ट नॉडिंग ऑफ, क्योंकि ऐसे 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 कर रहा था वो धीरे धीरे. आई थॉट ही स्लीपी, मे बी जस्ट डोज ऑफ. उसको पेट करने के लिए मैंने गाड़ी रुकाई, थोड़ा सा घुमा के उसके पास लेकर गया. दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट कि उसको बहुत बुरी तरीके से लगा हुआ है. इफ़ यू कैन सी ऑन द पिक्चर, उसका जो नोज़ एरिया है, माउथ एरिया है, पूरा ब्लड से भरा हुआ है. और जब मैं उसके पास गया ही कुडंट ब्रीथ, क्योंकि अपेरेंटली वो ब्लड की वजह से नॉस्ट्रल्स उसके ब्लॉक हो गए थे एंड वो मुँह से सांस ले रहा था और वो भी उसको डिफ़िकल्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ सलाइवा. और इतनी रात को कोई वेट तो खुला होता नहीं है, पॉसिबली नहीं है रात के 12 बजे, वो भी संडे. आई गूगल्ड इट, आई फाउंड आउट देयर इज अ 24/7 क्लिनिक. जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो डॉक्टर नहीं थे. जब मैंने कॉल लगाया डॉक्टर को तो वो कोई ऑपरेशन के लिए गए थे एंड ही वॉज गोन टेक 2 more hours टू कम बैक टू हिज क्लिनिक, जो मैं कर नहीं सकता था. सुबह मेरा काम था फिर 6 बजे का. तो आई पिक्ड हिम अप ऑन माई बाइक, बाइक पर उसको घर लेकर आया एंड अभी वो घर पर ही है. आज उसको बेड के पास लेकर जा रहे हैं. अभी मैं तो काम पर हूँ, इसके बाद जिम भी निकलना है फिर से. सो आई सेंट वर्षा टू माई प्लेस, शी इज़ गोन गो ओवर देयर, टेक द पपी, गो टू द क्लिनिक एंड देन वील गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ है. अब उसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई दूसरे कुत्ते ने हर्ट किया है या कोई और इंसान ने उसको हर्ट करके वहाँ पर फेंका है, आई हैव नो क्लू. क्योंकि उसका ओपन वूंड समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर है, नाक के ऊपर है और कहीं और से भी थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है. सो वील अंडरस्टैंड ओनली वंस वी गो टू द वेट. एन अपडेट, उनको उसको वेट के पास लेकर गए थे वो लोग एंड उसको टिक फीवर हुआ है अपेरेंटली एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका बॉडी फुल डिहाइड्रेट हो गया है, बॉडी का ब्लड भी बहुत कम है. सो इंजेक्शन मेडिकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अच्छे से. तो दिस इज़ वेर आई स्पॉटेड हिम, यहीं पर बैठा था वो कॉर्नर में और उधर ब्लड भी काफ़ी था, एक्चुअली उसी का ब्लड था. आई डू नॉट सी एनी डॉग राइट नाउ और एनी अदर पपी. थोड़ा और घूम कर मैं निकलता हूँ, चेक करके निकलता हूँ मैं यहाँ से. I get a call from my mom after a couple of minutes and it's not good news. So the doctor told her ki iske bachne ke chances kafi kam hai because he couldn't find even a vein to inject him with the medication to help him. Aur uska itna blood loss ho chuka tha already, dehydration, blood loss, weakness, no food, that uske bachne ke chances na ke barabar the. And what happened next was very obvious. My mom asked me that do you want us to euthanize him, but I couldn't answer that question at all. I told them आपको जो सही लगे डॉक्टर से बात करो और वो कर देना, मुझे सब होने के बाद बताइए. And I was mentally prepared to lose him. He was in so much of pain and discomfort that only a miracle could save him. तभी sad झाले रखो. I want to call this part of the story the miracle because it was one. और जो लोग नहीं मानते ये सब चीज़ों में, जो लोग ऊपर वाले में विश्वास नहीं करते हैं, अब शायद से करना शुरू कर दें. Trust me, this will blow your mind. The whatever happened at the clinic, ये usually होता नहीं है इतने often. Everything was decided, सब plan हो चुका था कि इसको euthanize करना है because the puppy was suffering a lot. He was unresponsive towards the end. बस टेबल पे लेटा हुआ था, ब्लड उसका ख़त्म हो गया था तो उसका वेन्स नहीं मिल रहे थे. ही वॉज बेयरली ब्रीदिंग, मुंह से सांस ले रहा था क्योंकि उसके नॉस्टल्स ब्लॉक हो गए थे बिकॉज ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड.
डॉक्टर ने भी बोल दिया कि ये नहीं बचने वाला, चांसेस नहीं है। मॉम एंड वर्षा को भी वही लगा कि देखकर हालत उसकी, बिकॉज वी हैव बिन थ्रू दिस बिफोर, मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड द कंसेंट फॉर्म वॉज ऑल्सो साइंड। सब साइन हो चुका था, सब तैयारी हो चुकी थी, एंड स्टिल समथिंग डिफरेंट हैपेंड। सो द डॉक्टर वॉज रेडी विद द इंजेक्शन, जिसमें यूथनाइजिंग मटीरियल होता है, देयर इज दिस लिक्विड, ही वॉज रेडी विद इट। द पपी वॉज ऑन द टेबल नॉट मूविंग। फाइनली 10-15 मिनट्स के स्ट्रगल के बाद जो वेन मिला था, डॉक्टर ने वो पॉ पकड़ा, उस वेन में इंजेक्ट करने जा ही रहे थे कि पपी ने उसका पॉ खींच लिया। कीप इन माइंड ही वॉज अनरिस्पॉन्सिव ऑल दिस वाइल टूवर्ड्स द एंड, एंड एग्जैक्टली जब वो यूथनाइजिंग का इंजेक्शन पास आ रहा था, उसने अपना पॉ पीछे खींचा। चलो लेट्स से इट्स अ कोइंसिडेंस, इवन द डॉक्टर थॉट इट इज अ कोइंसिडेंस। ही वेंट फॉर अ सेकेंड ट्राई, इस बार उन्होंने पॉ उसका पकड़ा, एंड ही टुक इट वेरी क्लोज, ऑलमोस्ट इंजेक्टेड हिम, और सेकेंड टाइम भी उसने अपना पॉ खींच लिया। नाउ दैट्स समथिंग टू यू नो, इट हिट्स यू हियर कि ये क्या हो रहा है। थर्ड अटेम्प्ट, दिस एक्चुअली ब्रेक्स माई हार्ट कि दे ऑलमोस्ट पुट हिम डाउन। इट डज ब्रेक माई हार्ट एंड आई अपोलोजाइज फॉर द होल इंसिडेंट, बट थर्ड टाइम वर्षा ने ट्राई किया उसको नीचे पकड़ने के लिए, होल्ड डाउन करने के लिए, एंड थर्ड टाइम ही पुल्ड हिज पॉ अगेन, वो भी वर्षा के टाइट ग्रिप में से, मतलब इतनी ताकत उसने कहां से लाई किसी को नहीं पता है। दैट वॉज वेन द डॉक्टर डायरेक्टली टोल्ड देम कि मैं ये नहीं करने वाला हूं, मुझसे ये नहीं होगा, दिस पपी वॉन्ट्स टू लिव एंड आई कांट गो अगेंस्ट इट। सो ही केप्ट दिस इंजेक्शन डाउन, उनको बताया कि अगर आज शाम को ये बच जाता है और कल सुबह तक ये रह जाता है, वी कैन स्टार्ट हिज ट्रीटमेंट। और इसको हम लोग बोल रहे थे, ये मैंने बोल रही थी, डॉक्टर ने खुद बोला था। सुसु करेगा शायद अभी। अरे दी एक मिनट, ये धोर एक ऐसा बेटा देख ना उधर वो। अरे गे पपी पपी है देखा, लागूंग लगला बिस्किट आ डॉक्टर ने बोला था कि आज शाम तक देखते हैं हालत कैसी है, इफ ही मेक्स इट टुमारो मॉर्निंग वी आर गोना ट्रीट हिम अगेन, एंड ही लुक्स टू बी फाइन, कंप्लीटली फाइन। अपडेट अबाउट द पपी, डॉक्टर ने बोला था कल शाम तक अगर वो रह गया, ठीक रह गया, फुल नाइट उसने सर्वाइव किया, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। ही इज़ फाइन, ही इज़ हेल्दी, एंड रिकवर भी कर रहा है काफ़ी, तो उसका फाइनल मेडिकेशन देकर आया है, खून बढ़ाने के लिए भी इंजेक्शन दिया है, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग प्रिटी वेल। आई एम डन विथ माई जिम्स वर्क राइट नाउ, इट्स अराउंड 12 o'clock। अब मुझे खराड़ी जाना है, खराड़ी से फिर से यहाँ पर आना है, तब तक के लिए कंटिन्यू कीप वॉचिंग, आई विल गेट बैक इन अ व्हाइल। तो ये अभी सॉलिड फूड खाना भी शुरू कर दिया है, सो थिंग्स आर लुकिंग गुड, ही इज़ गोना गेट बेटर एंड बेटर बाई द डे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, एंड ऐसे ही अपडेटेड रखूँगा आपको जब ये थोड़ा भागने दौड़ने लगेगा। दैट मीन्स वी हैव गारंटी कि ही इज़ ऑल फाइन नाउ।
बाय।